Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve exercise 7.2, question number 9 and 10, chapter 7, class 10, in which given that find the coordinates of the point which divides the line segment A joining A, और ये रहा उनकी कोऑर्डिनेट का, A का कोऑर्डिनेट एंड B, और ये रहा कोऑर्डिनेट उनकी, इन टू फोर इक्वल पार्ट. अच्छा, यहाँ पे बोला रहा है कि कोई भी एक लाइन है ना, दिस इज लाइन है ना, ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये B हो गया. इनकी जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 2, एंड दूसरा का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 8. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ना, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, चार बराबर हिस्सों में बांट रहा है. यहाँ पे देखो, इन टू फोर इक्वल पार्ट, चार इक्वल पार्ट में बांट रहा है. जब हम चार इक्वल पार्ट, इट मीन्स क्या होगा, तीन पॉइंट्स इसमें कहीं पे भी होंगे, और वो क्या है कि इस लाइन को 1, 2, 3, 4 फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर. अब मैं इन सब का एक एक नाम देती हूँ. सपोज दैट दिस इज सी डी एंड ई. और अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड लगभग इसी के टाइप का था. वो क्या था कि उसमें ट्राई सेक्शन थे, थोड़ा सा डिफरेंट था. तो इसमें क्या है कि आपको चार हिस्सों में बांट रहा है और बोला जा रहा है कि उस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, मतलब इनके इनके सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो. तो लाइन को देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 1, 2, 3, 4, इट मीन्स ये इसका हाफ पॉइंट हो गया है ना. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ वाली पार्ट जो है वो क्या है, आपस में बराबर है. इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए डी लाइन सेगमेंट का डी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा. और मिड पॉइंट जब जैसे ही आ गया तो हम उसे क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला को लेकर के फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिख नोट डाउन कर दूँ जो जो पॉइंट्स हमने लिया है ना. ये क्या है, लेट सी डी सॉरी सी डी एंड ई बी अ पॉइंट सी डी एंड ई बी अ पॉइंट बी पॉइंट एक पॉइंट तो है नहीं बी पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स. ये क्या कर रहा है, जो ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो ए और बी, मतलब ये ए बी लाइन सेगमेंट को तो चार बराबर हिस्सों में बांट रहा है. तो देयरफोर वी कैन से दैट बी ऐसे लिखा मैंने कि ए डी इक्वल टू डी बी. ओके, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना. ए बी का डी जो है वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा. जैसे ही ये मिड पॉइंट बन गया, हम क्या लेते हैं, फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला ही लेते हैं. बट जब अभी तो मैंने सपोज दैट इसे मैंने जब माना, तो यानी कि इसके जो रेशियोज हैं A1 एंड A2 इनको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि ऑलवेज हम क्या लेते हैं जो भी हम सेक्शन इस तरीका से, तो मिनिमम वैल्यू वाली नंबर को लेते हैं.
क्योंकि अगर हम बड़ा भी लेंगे, सपोज दैट इसे 2 लिया और इसे 2 लिया, तो ये कैंसिल होकर के आपस में 1-1 ही आ जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम वैल्यू को ही, ओके। जब 1 वैल्यू हम m1 और m2 को लेते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैसे आ जाता है ना, y सेक्शन फॉर्मूला। वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। हम इस चीज को अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम d का निकालेंगे। देयरफॉर d इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं a और b का जो हमें क्या लेना है, अभी a और b का सबसे x1 ये पहले लिख दूं मैं, 4ab है ना, 4ab लाइन के लिए लेते हैं, ab के लिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा है ना। तो यहाँ a कोऑर्डिनेट में क्या है, -2 एंड बी विच इज 2 and 8। x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरीका से हमारे पास आ गया y2 इक्वल टू 2। अब हमें d पॉइंट फाइंड करनी है ना, डी जो हमारा इसका डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, ओके। देन मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है x1 एंड x2, इट मीन्स इसको इसको प्लस करें, -2 प्लस में 2 अपॉन में 2, ओके, एंड कॉमा दे करके लिखेंगे 2 प्लस 8 अपॉन में 2। डी इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस, यानी 0 अपॉन में 2 एंड यहाँ पे 10 अपॉन में 2, कैंसिल होकर के ये आ गया 1। तो डी की वैल्यू क्या हो गया, तो डी इक्वल टू आ गए, ये इसे यहाँ पे हम 0 2 से 0 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, डी आ गया हमारा 0 5। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गई। अब दूसरी पॉइंट की कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करती हूं, ए और बी को है ना, ए और बी को निकालती हूं, यहां लिख दू 4ab। ए की वैल्यू क्या है, -2 2, और बी हमारा क्या आ गया, 0 5। ओके, अब क्या करते हैं, x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 1। सिमिलरली इसी फॉर्मूला पे हम लिखेंगे, इट मीन्स ए डी के बीच का जो हमारा ये मिड पॉइंट है वो सी है ना। यहाँ पे देखो ये सी, ये दोनों क्या है, इक्वल पार्ट है, तो ये हो गया ना इसके बराबर में ये वाला पार्ट, ओके है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ इन लाइन सेगमेंट ए डी सी इज मिड पॉइंट, ओके। ए डी लाइन सेगमेंट में सी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को निकालेंगे, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करनी है, सी। तो बाकी कुछ तो मैं लिख रखी हूँ, इट मीन्स -2 प्लस में 0 अपॉन में 2, दूसरी साइड 2 प्लस में 5 अपॉन में 2, एंड सी इक्वल टू ये हो जाएंगे -2 अपॉन में 2, कैंसिल होकर के -1 आ गया, एंड दूसरे साइड 7 अपॉन में 2, यानी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 7 अपॉन में 2। इक्वल नहीं देंगे हम,
इस तरीका से कवर करेंगे। ये हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट है। सेकेंड की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, मैं इंक्लोज कर देती हूँ लास्ट में ऑल ऑफ ओवर एक साथ में आंसर देती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आपके पास जितनी भी अपडेट्स में पहुंच पाए, जितनी भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाए, और लाइक और शेयर भी कर दें। ओके, थर्ड पार्ट विच इज, अब हम निकालेंगे डी पॉइंट को। इसके लिए हमें डी बी लेना पड़ेगा ना, है ना, 4 dB, है ना। यहाँ पे मैं इसका क्या है, डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 05, यहाँ हमने फाइंड किया है 05, ओके 05, एंड बी गिवन है विच इज 28, बी विच इज 28, एक्स वन इक्वल टू 0, वाई वन इक्वल टू 5, एंड एक्स टू इक्वल टू 2, एंड वाई टू इक्वल टू 8। अब देखेंगे इन लाइन सेगमेंट डी बी, ये देखो ये लाइन सेगमेंट है तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा हुआ, ये क्वेश्चन में ही गिवेन है, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। डी बी इन लाइन सेगमेंट डी बी ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है मिड पॉइंट है, सो ई इक्वल टू हम लिखा ई एक्स, यहाँ पे एक्स वन ये है 0 + 2 / 2 एंड 5 + 8 / 2, ई जो आ गए 2 / 2 कैंसिल होकर के 1, और ये आ गया 13 / 2। क्या हमने देखा, तीनों का आंसर फाइंड कर दिया। अब हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रूप से आंसर देंगे, हेंस है ना, कोऑर्डिनेट सी से चलते हैं, सी डी और ई ऐसे लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट, सॉरी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, कोऑर्डिनेट सी, सी क्या है 05, दूसरा हो गया डी विच इज, डी क्या फाइंड किया हमने, डी तो ये है सॉरी सी है माइनस वन 7/2, -1 7/2, डी यहाँ पे लिखूंगा, डी है हमारा 05 एंड ई विच इज यहाँ पे हमने फाइंड किया है 1 and 30/2, ओके ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज गिवेन, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये हमें एक रोम्बस, सबसे बड़ी बात है यहाँ ध्यान देने योग्य, ये क्या है रोम्बस, है ना, रोम्बस हमें बनानी है, उनका वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो मैं बना तो लूँ। ओके, रोम्बस क्या होता है, वो स्क्वायर का जो तिरछा टाइप का होता है ना उसे ही रोम्बस कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे। इनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, कोशिश करूंगी बनाने का वो एक रोम्बस ही बने, ठीक है, इनके 4 साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, गिवन है कि एक रोम्बस, हाँ सो इसकी एरिया पूछ रहा है, तो एरिया के लिए हमें इसके डायगोनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अगर रोम्बस की एरिया निकालना हो
तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, ये है हमारा ए बी सी डी। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3045 माइनस 12 एंड माइनस 2 माइनस 1 टेकन इन ऑर्डर। हमें इससे क्या करना है कि इसी ऑर्डर में लेना, यानी अगर ए ये लेते हैं तो बी सी डी ऐसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे वो भी नोट कर दूं, 30 देन 45 एंड सी इज माइनस 14 एंड डी इज माइनस 2 माइनस 1। ऑर्डर वाइज हमने लिख दिया इसे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइंड अप क्या ब्लॉक, इसका जो फॉर्मूला है उसी से हमारा आंसर हम फाइंड कर ले सकते हैं कि डायगोनल की अगर हमें एरिया रोम्बस की एरिया निकालनी है तो ये वाली जो डायगोनल है मल्टीपल में ए वाली डायगोनल, हम इनकी लेंथ तो गिवन नहीं है तो हमें क्या निकालना होगा, ए टू सी एंड बी टू डी। अगर ऐसे निकालना हो, लेंथ हमें निकालना हो तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको तो पता ही है, आप अच्छे से जानते हो भाई। ओके, तो सब कुछ पार्ट जो मैंने वहां पे मेंशन किया उसे मैं नोट कर दूं। सॉल्यूशन के लेट ए 30 बी 45 सी माइनस 14 एंड डी माइनस 2 माइनस 1 बी द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी रोम्बस का ये सारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं। ये आपके बुक में गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, है ना, और गिवन हो या ना हो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप अब टेंथ में पढ़ रहे हो। मतलब मे भी आप इसे 8 में भी कर चुके हो, 9th में भी कर चुके हो, अब तो 10th में आ गए, तो ये फार्मूला तो हमें लर्न होनी ही चाहिए। तो इसी फार्मूला, अब तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो इसका एरिया हमें निकालना है, तो ए बी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट मीन्स क्या होगा, ए सी मल्टीपल बी डी, ए सी मल्टीपल बी डी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें ए सी निकालना होगा फिर बी डी निकालना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो तो लिख लो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का, इसे सारे जो है वो रूट के अंदर होते हैं। अब निकालेंगे ए सी के लिए, निकालेंगे फोर ए सी, ओके सॉरी ए डी मैंने लिख दिया, ए सी, ए सी के लिए निकालते हैं, तो ए और सी का जो ए ए और सी इनका जो है एक्स और वाई के रूप में पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ए विच इज 30 एंड बी विच इज सॉरी सी सी विच इज माइनस 14 देन एक्स वन इक्वल टू 3 y1 equal to 0, x2 equal to minus 1 and y2 equal to 4. अब distance formula apply करेंगे, it means AC equal to under root डाल दें, तो x2 which is minus 1 minus x1 ये है हमारा 3 whole square plus y2 which is 4 माइनस वाई वन विच इज 0 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 से 0 को माइनस करेंगे तो सेम रहेगा यानी 4 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा,
फोर फोर जो 16 प्लस में 16, ठीक है, so यहाँ पे आ गया 32। कुछ कुछ चीज है जिसे मैं बीच बीच में ना बताऊं तो आप समझ लिया करो, क्योंकि नेगेटिव वाले को भी स्क्वायर जब निकालते हैं तो वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं। अब तो आप इस लाइक हो ही गए हो कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे एक्सप्लेन ना किया जाए तो आप उसे समझ लो। और ये इसे हम कैसे लिखें, ए सी इक्वल टू 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 10 16, 2 8 2 4, 2 2 2 1, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहे हैं, यानी वन पेयर एंड टू पेयर, तो 2 2 4 हो जाएगा। इसका हम एक लेंगे और इसका एक लेंगे, 2 2 4, और ये सिंगल है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो 4√2 यूनिट। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँ, मैं इसे एनक्लोज कर दूँ कि आगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। नाउ फाइंड करते हैं बीडी, 4 BD, है ना। अब बी का क्या है, बी की जो वर्टिस कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, एंड डी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी डी इक्वल टू, हाँ को ये मैंने नोट नहीं किया, सॉरी, x1 = 4, y1 = 5, x2 = -2, and y2 = -1. Then BD equal to under root x2 which is -2 minus 4 square plus me y2 which is -1 and minus 5 square. BD equal to आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 का स्क्वायर, एंड यहाँ भी पे भी -6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, क्या आ गया 36 प्लस में 36, इट मीन्स BD इक्वल टू अंडर रूट 70। इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 का 2 टाइम 36, 2 टाइम 18, 2 टाइम 9, 3 टाइम 3 एंड 3 टाइम 1। ये एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, 3 2 6, देन बी डी इक्वल टू 6√2 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक हमें एक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए, यानी एरिया निकालने के लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट थी, दिस इज एसी और ये हमारा बीडी। बस अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस पे, ओके। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इक्वल टू 1/2 AC × BD, देन क्या हो जाएगा, 1/2 AC विच इज 4√2 मल्टीपल BD विच इज 6√2, 2 से ये कैंसिल हो गया, आ गया 2, हमारे पास क्या बचा 2√2 मल्टीपल 6√2। ओके, 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम इसे देखते, 2 × 6 एंड मल्टीपल 2√2 × √2। अब ये पेयर में है तो क्या हो जाएगा, हम इसमें से एक सिंगल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 2 विच इज 6 2 12 12 2 24 स्क्वायर यूनिट। हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गए, 24 स्क्वायर एरिया है, इसीलिए उसमें स्क्वायर मेंशन करना बिल्कुल कंपलसरी है।
आप इस तरीका से सबको इनक्लोज कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एसी को इनक्लोज कर दिया, बीडी को भी इनक्लोज कर दिया। अगर ओवरऑल एक टीचर चेक करना चाहे तो वो इस चीज़ को पे विशेष ध्यान देगा और इस पे विशेष ध्यान देगा, उसके बाद ये फाइनल आंसर आपको देख करके मतलब कि बिल्कुल मार्क्स डाल देंगे। तो इस तरीका से जो डायग्राम है दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड इस तरीका से अगर आप एक स्क्वायर बॉक्स में अगर बन सके या तो फिर रेक्टेंगल में आप उसे इनक्लोज कर दिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर एंड लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।